सो बच्चे साइन के बटन के अंदर आते हम लोग यहाँ पे पहले टेक्स्ट बुक से वैल्यू लेंगे। सो सपोज करें वो वैल्यू जो है फ्लोट, मैं ए ले लेता हूँ फ्लोट डॉट पार्स, और टेक्स्ट बुक से जो वो वैल्यू लेनी है टेक्स्ट बुक्स 1.txt, और वो ए में आ गई। अब हम लोगों ने जो साइन कैलकुलेट करना है ए का, तो मैथ की क्लास के अंदर साइन का फंक्शन पढ़ा हुआ है। मैथ की क्लास के अंदर सारे तकरीबन फंक्शन पढ़े हुए हैं जिनके साथ ए यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शंस हैं। सो उसके बाद जो भी आप लोग कॉस कॉस हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल ई तमाम तकरीबन लॉग लॉग बेस 10 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पाई पावर ये तमाम फंक्शन यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो इनमें से जो सा भी आप लोग यूज करना चाहते हैं। सो साइन, अब देखिए यहाँ पे वो हमें समझा रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे उसका वो हमें रिटर्न करवा रहा होगा, साइन लेके डबल वैल्यू रिटर्न करवा रहा होगा। सो मैं सपोज करें यहाँ पे ए पास करता हूँ, तो ए की मुझे वो क्या करेगा, डबल बी इज इक्वल टू, मैं इसका नाम ए एन एस रख लेता हूँ। अब इस ए एन एस को मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर भी शो करवा सकता हूँ और किसी और टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करवा सकता हूँ। सो टेक्स्ट बॉक्स 1.txt इज इक्वल टू ए एन एस डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू वर्ड, जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मैं सपोज करें एंटर करवाता हूँ। अब बाकी ये आप लोग 1, 2, 3 के लिए मैंने कर दिया, 1, 2 के लिए कर दिया था, 3, 4, 5, 6, 7 और 0 और इशारे के लिए आप लोग कर सकते हैं काम वाला ना, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1.txt प्लस और उसको इन्वर्टेड कॉमास में रख के, ठीक है। बाकी आप लोग कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 45 देता हूँ, 45 का साइन क्या होता है, 0.85 दे रहा है। सपोज हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर में जाके, ओके यहाँ पे सपोज करें हम लोग उसको 45 देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जाके साइन कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.707 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर वो डिग्री में दे रहा है हमें कि कहाँ, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस को आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.14 pi by 180 अराउंड 180। नाउ लेट्स सी कि वो अब क्या करता है। तो अराउंड वही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें। सो इस तरह से कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उनके इनवर्स भी हो जाएंगे और उनके हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग कोशिश करेंगे चाहे 3 टेक्स्ट बुक से ही काम करें, लेकिन पूरा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास तक बना के आए, चाहे 3 टेक्स्ट बुक से ही काम करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, आप लोगों को खुद अपनी तरफ से एफर्ट करें कि एक टेक्स्ट बुक से बनाने की, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट आप 3 टेक्स्ट बुक्स के साथ कर लें, और अगर नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं एक टेक्स्ट बुक से तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आप लोगों को खुद से करवा दूंगा एक टेक्स्ट बुक से, लेकिन एफर्ट अपनी तरफ से ज़रूर करें, ठीक है। सो जो आप लोग नोट करना चाहते हैं, ये दोनों लाइनें ही हैं बेसिकली जो आप लोगों ने नोट करनी है।